मेंबर्स इतने टाइम से अकेले हैं और उन्होंने किसी को डेट भी नहीं किया, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आर्मीज के, आपको पता है कि बहुत सारे बीटीएस आर्मीज ना रिसेंटली चाहती हैं कि बीटीएस के मेंबर्स अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ जाएं, उनकी लाइफ में भी कोई पार्टनर हो जिसे वो डेट करें या फिर शादी कर ले और अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहें। लेकिन ऐसे में उनका बड़ा सवाल ये है कि क्या बीटीएस के मेंबर्स शादी करने के बावजूद भी बीटीएस का हिस्सा बने रह सकते हैं? क्या बीटीएस के मेंबर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाने के बाद भी बीटीएस की तरह एक ग्रुप में काम कर सकते हैं या फिर नहीं? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो आर्मीज, जैसा कि आप सबको पता है कि केपॉप का एक रूल है, वहाँ पर डेटिंग करना या फिर शादी करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। कई सारे केपॉप आइडल्स को तो उनकी कंपनी डेट करने से भी मना करती है, क्योंकि ये माना जाता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं उनके फैंस और उनके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी और फैंस पर्सनली अपने केपॉप आइडल से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से कई सारे केपॉप फैंस अपने आइडल्स को लेकर हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और उन्हें किसी भी अपोजिट जेंडर के पार्टनर के साथ नहीं देख पाते। और बीटीएस के कुछ टॉक्सिक फैंस भी इसी तरीके के हैं, जो बीटीएस के आसपास लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन कई सारे फैंस चाहते हैं कि बीटीएस के मेंबर्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और ऐसा तब हुआ जब बीटीएस ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे फैंस को उम्मीद थी कि बीटीएस के मेंबर मिलिट्री के बाद डिसबैंड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि बीटीएस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा है, इसका मतलब होता है कि आगे और आने वाले सालों तक वो बीटीएस की तरह आर्मीज के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन बीटीएस भी तो हम सभी की तरह अपनी लाइफ में प्यार और खुशी डिजर्व करते हैं। आखिर वो कब तक अकेले रहेंगे और अपनी इमेजिनरी दुनिया में जीते रहेंगे, जिसकी वजह से कई सारे आर्मीज चाहती हैं कि बीटीएस को शादी कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको भी ये डाउट है कि बीटीएस शादी करने के बाद एक ग्रुप की तरह नहीं रह सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि शायद आपको पता नहीं, लेकिन बहुत सारे केपॉप आइडल्स अपनी मैरिड लाइफ होने के बावजूद भी अपने ग्रुप का हिस्सा बने रहते हैं। हालांकि ये काफी रेयर होता है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी की परमिशन चाहिए। अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ कर देती है तो आप शादी करने के बाद भी अपने ग्रुप का हिस्सा रह सकते हो और एक केपॉप आइडल भी रह सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है अपने फैंस का, क्योंकि अगर शादी करने के बाद या फिर डेट कर लेने के बाद आपके फैंस ही आपको सपोर्ट नहीं करते, तो कंपनी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। इसीलिए अगर फैंस चाहते हैं कि बीटीएस के मेंबर शादी कर लें और उसके बाद वो बीटीएस के हिस्सा बने रहें, तो सबसे पहले आर्मीज को बीटीएस को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि गाना बनाना तो वो कभी भी कर सकते हैं, यानी शादी हो या फिर ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आर्मीज बीटीएस को सपोर्ट करे तो बीटीएस के मेंबर शादीशुदा होने के बाद भी बीटीएस में रह सकते हैं और हमारे साथ जुड़े भी रह सकते हैं, और उनको अपनी लाइफ में अकेले रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप बीटीएस की मैरिड लाइफ को सपोर्ट करोगे या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।